हम कैसे नेम से रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, उसे हम कैसे नेम दे सकते हो, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, टोटली 6 to 7 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट्स है वो है स्ट्रेट चेन इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन। अगर कोई भी चेन स्ट्रेट में होगा, यानी स्ट्रेट चेन होगा, चाहे वो 4 मेंबर हो या फिर 5 कार्बन हो, तो उसे हम एन से रिप्रेजेंटेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ब्यूटाइल से, मैं यानी इसमें टोटली 4 कार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो CH3, CH2, 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 तो जिसे हम कहेंगे एन ब्यूटाइल। और ये जो है एन प्रोपाइल, क्योंकि इसमें टोटली 3 कार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो दिस इज़ कॉल्ड एज एन प्रोपाइल। एंड जो नेक्स्ट जो सेकेंड वन है वो है आइसो ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं। व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच टू द सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द स्ट्रेट कार्बन चेन इज नेम एज आइसो ग्रुप। अगर एक स्ट्रेट चेन होगा, इसी तरह अगर एक स्ट्रेट चेन होगा, तो उसके सेकेंड लास्ट कार्बन एटम, यानी जब सेकेंड लास्ट कार्बन एटम होता है, तो उसमें अगर एक मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, तो उसे हम कहेंगे आइसो ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, यह है इसमें, इसे हम कहेंगे आइसो प्रोपाइल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, तो जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसमें अटैच हुआ है एक आइसो ग्रुप, यानी एक मिथाइल ग्रुप, तो जिसे हम कहेंगे आइसो प्रोपाइल। ये रहा आइसो ब्यूटाइल, और इसे हम कहेंगे आइसो पेंटाइल, क्योंकि इसमें टोटली 5 कार्बन है। और जो नेक्स्ट है थर्ड वन को हम देखेंगे जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप इज ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द स्ट्रेट कार्बन चेन इज अटैच टू अदर 4 कार्बन ग्रुप इज नेम एज नियो ग्रुप। तो इस तरह के कार्बन को हम कहेंगे नियो ग्रुप, क्योंकि इसमें जो कार्बन है उसमें 2 मिथाइल ग्रुप, जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, तो उसमें 2 मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, और उसी कार्बन में जो है एक अगर स्ट्रेट चेन होगा, तो उसमें टोटली और 2 कार्बन एटम ऐड होते हैं, तो इसमें टोटली 4 कार्बन एटम ऐड होते हैं। तो इसी तरह हम इस तरह के ग्रुप को हम नियो ग्रुप कह सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में टोटली यहाँ पर है कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर एल्डिहाइड, यहाँ पर है अमाइड, और यहाँ पर है हैलाइड ग्रुप, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप। तो इसी तरह के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसको हम बाद में डिटेली एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ हम फोकस करते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी अटैच टू 2 कार्बन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन। तो दोस्तों, जो कार्बन होते हैं, कार्बन के टोटली 4 वैलेंसी होते हैं, जो कार्बन है उसमें टोटली 4 वैलेंसी होते हैं, और उसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो एक कार्बन में टोटली 4 वैलेंसी होते हैं। तो उसको हम टोटली देख लेते हैं, कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी अटैच टू 2 कार्बन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन है CH2, CH2, CH3, यानी इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटाइल है, और उसमें एक सेकेंडरी कार्बन का हम इसे ऐड करते हैं, तो उस कार्बन में फ्री वैलेंसी होगा जो कि 2 कार्बन को टच करते हैं। तो इसी तरह जो सेकेंडरी कार्बन होता है, तो इसे हम सेकेंडरी कार्बन कह सकते हैं, जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि यहाँ पर एक ब्यूटाइल ग्रुप होगा, तो जो कि 2 कार्बन को टच कर सकते हैं, जो कि वैलेंसी है, कार्बन हैविंग फ्री वैलेंसी अटैच टू 2 कार्बन, यानी एक फ्री वैलेंसी होगा जिसमें 2 कार्बन का टच कर सकते, इसी तरह का हम सेकेंडरी कार्बन कह सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन है उसमें 4 वैलेंसी होता है, तो अगर इसमें एक ब्यूटाइल ग्रुप ऐड करेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो एक ब्यूटाइल ग्रुप का अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर CH, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर जो CH है इसमें 1, 2, 3, एक 4 है, तो यहाँ पर हम अगर हम CH2 ऐड करते हैं, तो CH2, 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 तो वो इसके साथ जो CH2 है वहाँ पर एक 1 बॉन्ड है, तो इसमें टोटली क्या है 2 कार्बन को ऐड कर सकते हैं, जिसे हम सेकेंडरी कार्बन कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है कार्बन हैविंग 3 वैलेंसी अटैच टू 3 अदर कार्बन इज कॉल्ड एज टर्शियरी कार्बन। यानी जो यहाँ पर जो है एक ग्रुप है CH3, CH3, और यहाँ पर एक CH3 है, वहाँ पर एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इस तरह के जो ग्रुप्स रहते हैं वो जो फ्री वैलेंसी है जिसमें 3 अदर कार्बन्स को हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम टर्शियरी कार्बन कह सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो है इन एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इफ द पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन ऑन द फर्स्ट और लास्ट कार्बन इट इज प्रीफिक्स इज अल्फा, इफ सेकेंड इट्स टर्म एज बीटा,
इफ द गामा एंड डेल्टा सो ऑन। अगर एक अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड होता है, अगर एक स्टेट कार्बन चेन में अगर वो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड अगर फर्स्ट और लास्ट, फॉर एग्जांपल एक स्टेट कार्बन चेन होगा, अगर उसके फर्स्ट और लास्ट में अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले, फॉर एग्जांपल एक मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन फाइव मेंबर रिंग है, फाइव मेंबर रिंग में अगर जो डबल बॉन्ड होता है अगर वो फर्स्ट पोजीशन या फिर लास्ट पोजीशन में होगा, तो डबल बॉन्ड जो फर्स्ट और फिर लास्ट पोजीशन में, तो उसे हम कहेंगे अल्फा, अल्फा से रिप्रेजेंटेट करें, यानी उसके प्रीफिक्स जो होगा अल्फा होगा, तो उसे कहेंगे अल्फा पेंटाइल। अगर वो सेकंड पोजीशन में होगा तो उसे हम कहेंगे बीटा, बीटा प्रोपाइल। अगर उस अगर थर्ड पोजीशन में होगा उसे हम कहेंगे डेल्टा। अगर फिफ्थ पोजीशन में होगा उसे हम कहेंगे सॉरी इसे कहेंगे गामा और उसे कहेंगे डेल्टा। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है व्हेन टू सेम हैलोजन एटम्स आर अटैच टू द सेम कार्बन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज जेमडी हैलाइड्स। कॉमन नेम्स सच एज कंपाउंड्स आर अल्काइलडेन हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल एक कार्बन ग्रुप्स है जैसे CH3CH है, तो अगर उसमें दो हैलोजन ग्रुप ऐड होगा, हैलोजन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है हैलाइड ग्रुप, अगर उससे दो हैलाइड ग्रुप एक साथ ऐड होता है तो उसे हम जेमडी हैलाइड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू सेम हैलोजन एटम्स आर अटैच टू द सेम कार्बन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज जेमी हैलाइड्स। कॉमन नेम्स ऑफ सच कंपाउंड्स आर अल्काइलडाइन हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन ग्रुप में सेम हैलोजन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है दो हैलोजन जो ये क्लोरीन है जो अटैच होते हैं, इसी तरह के सेम हैलोजन जब ऐड होगा तो उसे हम जेमडी हैलाइड्स के नाम से रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो ग्रुप्स है इसे हम इथाइलिडाइन क्लोराइड कह सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे जो फंक्शनल ग्रुप है चाहे वो प्रीफिक्स हो या फिर सफिक्स हो तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शनल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल ए अल्किन है, इसमें आर सी आर यानी कार्बोनाइल ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड सी आर मतलब एक जनरल फार्मूला है। अगर उसके जो है सफिक्स अगर इन होगा तो उसे हम कहेंगे प्रोपिन, मिथेन इथेन प्रोपिन। अगर वो जो है थ्री कार्बन जो है थ्री कार्बन से फॉर्मूला को बनाया जाएगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है CH3CH2 मतलब इसे हम कहेंगे प्रोपिन, जो कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट जो अल्काइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है आर यानी एक अल्काइल ग्रुप है आर सी ट्रिपल बॉन्ड ऑफ सी आर, तो इसे हम वाई एनी यानी उसके सफिक्स यानी जो लास्ट में होगा वहाँ पर होगा वाई एनी, तो इसे हम कहेंगे प्रोपाइन यानी CH3C CH। और जो नेक्स्ट है वो है अरिन, अरिन में जो है होगा बेंजिन रिंग होता है तो हम इसे कहेंगे मिथाइल बेंजिन, जिसमें CH6H6CH3 यानी जो है किसी भी एक पोजिशन में अगर एक CH3 ऐड होगा जो बेंजिन है जिसमें CH6H6 अगर उसमें किसी भी एक पोजिशन में हम CH3 को ऐड करेंगे तो उसे हम कहेंगे मिथाइल बेंजिन। और जो नेक्स्ट है वो है हेलो अल्केन, यानी ये है अल्काइल ग्रुप और ये है एक्स एक्स मीन्स होगा हैलोजन चाहे हो क्लोरिन हो फ्लोरिन हो ब्रोमिन हो आयोडीन हो, तो उसके जो है अगर प्रीफिक्स में अगर हम उसे ऐड करेंगे तो क्या फ्लोरो क्लोरो, फॉर एग्जांपल CH3Cl तो इसे हम कहेंगे क्लोरो मीथेन। ये रहा क्लोरो ग्रुप जो कि प्रीफिक्स को रिप्रेजेंटेट करता है जो हैलोजन है क्लोरो मीथेन। जो नेक्स्ट जो है नाइट्राइल, इसमें अल्काइल ग्रुप है सी ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एनियन, इसमें नाइट्रोजन ग्रुप है तो उसको जो है हम सफिक्स में हम इसे ऐड करेंगे नाइट्राइल, तो एग्जांपल CH3CN तो इसे हम कहेंगे इथेन नाइट्राइल। और जो नेक्स्ट है वो है अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप मतलब आर ओ एच यानी एक अल्काइल और यहाँ पर ओ एच ग्रुप, तो उसके जो है सफिक्स होगा हाइड्रोक्सी और जो लास्ट होगा वो है ओल, तो यह है C2H5OH, इसे हम कहेंगे एक इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर है ओ एच ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हम प्रीफिक्स और ओ एच ग्रुप तो हम उसे सफिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रहा
इथेनॉल, तो इथेनॉल। तो हम देखेंगे कीटोन ग्रुप के बारे में, तो उसमें अल्काइल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ऑफ सी, सी डबल बॉन्ड ऑफ सी, तो एक अल्काइल ग्रुप। तो जिसे हम कहेंगे ओन, यानी एक जो सफिक्स है उसके लास्ट में ऐड होगा ओ एन ई, तो जिसमें सी एच थ्री सी वो सी एच थ्री, यानी इसे आर, सी डबल बॉन्ड ऑफ आर। इसी तरह जो फंक्शनल फार्मूला से हम रिप्रेजेंटेट भी कर सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ऑफ आर, यानी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ऑफ आर। तो ये रहा एक प्रोपेन ग्रुप, तो इसे हम अगर कीटोन से कीटोन ऐड होगा तो प्रो पे नॉन। और जो नेक्स्ट है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड यानी सी ओ एच। नेक्स्ट जो है अल्डिहाइड ग्रुप वो है सी एच ओ, यानी जो है सी एच, सी एच ओ एक अल्काइल ग्रुप, उसमें सी एच ओ जब उसे ऐड करते ऐड होते हैं उसे अल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है। तो उसके लास्ट में होगा ए एल ई, तो फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच, तो उसे प्रोपेनॉल कह सकते हैं अल्डिहाइड ग्रुप जब ऐड होता है। और जो नेक्स्ट है कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सी डबल बॉन्ड ऑफ ओ एच ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ऑफ एच, तो उसके लास्ट में होगा ओइक एसिड, फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी ओ एच, जिसे हम कहेंगे इथेनोइक एसिड, यानी लास्ट में होगा ओइक एसिड ऐड होता है ओ आई सी। तो ये रहा सफिक्स में। और जो नेक्स्ट है वो है एस्टर, जो कि हमारे सिलेबस में रिलेटेड है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वह है एस्टर, एस्टर में सी वो सी डबल बॉन्ड ऑफ आर, यानी एक अल्काइल ग्रुप, फिर सी डबल बॉन्ड ऑफ, फिर एक अल्काइल ग्रुप। तो ओएच से हम उसे सफिक्स में रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो प्रोपाइल इथानोलेट, यानी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ऑफ ओ सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। और जो नेक्स्ट है अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप में क्या होता है, अमाइन ग्रुप में होता है एन एच टू, यानी अमाइन ग्रुप ऐड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, तो जिसमें हम अमाइन ग्रुप को प्रीफिक्स में और अमाइन को लास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे हम कहेंगे इथाइल अमाइन और इसे हम कहेंगे अमाइनो इथेन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।